अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की कच्ची दाल। ये चने की कच्ची दाल है, इसको इसी तरह खाया जाता है। बहुत इजी है और बहुत ही अच्छी होती है, तो हमने सोचा आप लोगों में इसको शेयर करते हैं। आप इफ्तार में बना लीजिए, ऐसे भी किसी टाइम टी टाइम पे बना लीजिए या सुबह नाश्ते में। तो इसको 3-4 घंटे पहले हमने भिगो दिया था, तकरीबन 4 से 5 घंटे ये भीगी थी। फिर हमने इसको छान के हमको इसको प्लेट में रखा। बहुत जल्दी बनती है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसमें 1 चम्मच चाट मसाला डाल दीजिए, नमक हस्ब ज़ायका, हरी मिर्च, हरी मिर्चें काट के डाल दीजिए। आजकल खीरे का ज़माना है तो खीरा भी डाल दीजिए। पहले इसको अच्छी तरह से नमक और ये चाट मसाला जो डाले इसको मिक्स कर लें। इसमें लेमन जूस डाल दें। ये करीब 100 ग्राम चने की दाल होगी। इसमें हमने 2 छोटे चम्मच से टीस्पून से हमने लेमन जूस डाला। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये खाने में बहुत ही अच्छी होती है। अब इसमें ये हमने छोटे छोटे पीस, ये खीरा आजकल बहुत आ रहा है मार्केट में, तो हमने छोटे छोटे पीस खीरे के काट लिए, खीरा डाल दिया। इसको भी मिला लें, ऐसा मिलाएं कि हर बाइट में हमें खीरा ये सब मिले, इसलिए बराबर इसको मिला लें। अब इस पे प्याज डाल दें। ये हमने इस तरह छल्ले वाली प्याज काटी है, ये रिंग में, इसको डाल दीजिए। प्याज इसमें ज़्यादा सी अच्छी लगती है खाने में। और ऊपर से हरी धनिया डाल दीजिए। बस कुछ मिनटों में हमारी ये बन जाती है दाल। देखिए दाल बनकर तैयार हो गई। इस रेसिपी को आप लोग अपने घर में ट्राई करिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू।